नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8565905309606089753865 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज चंद्रवर्धन एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स। दोस्तों, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया था और पॉलिटी का भी एक पार्ट हम लोग कर चुके हैं, जिसमें 70 क्वेश्चंस हम लोगों ने किया था। आज हम लोग पॉलिटी का दूसरा पार्ट करेंगे और फिर से 70-75 क्वेश्चन के आसपास देखने वाले हैं, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। ये जो क्वेश्चंस हैं ये सब आपके बीपीएससी 67th एग्जाम, जो कि 20 और 22 को होना निर्धारित हुआ है अभी फिलहाल, तो यही डेट है। और साथ में बिहार एसएससी का जो एग्जाम होगा उसमें भी ये काम आने वाला है, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। उससे पहले ये जो नंबर्स है इन पर आप कॉल करके या फिर मैसेज करके पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर ज्वाइन करिए और लाभ उठाइए हमारी सर्विसेज का, ठीक है। 70 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, अब हम लोग आगे चलने वाले हैं और 71 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे आज का वीडियो। चलिए आइए, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन आज का। पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया कहां पर, इंट्रोड्यूस किया गया सबसे पहली बार पंचायती राज, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर राजस्थान। तो पंचायती राज जो है सर्वप्रथम राजस्थान में लागू हुआ था, ठीक है, राजस्थान के नागौर में हुआ। और उसके बाद सेकेंड नंबर पर यदि आएगा तो आंध्र प्रदेश आएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, पहली बार नागौर राजस्थान कब हुआ था, 2 अक्टूबर को 1959 में, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर, ठीक। तो याद रखिएगा, दूसरा आंध्र प्रदेश था, यह भी याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। पंचायती राज का प्रथम उद्देश्य क्या है, यही पूछा जा रहा है। ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंदिता को बढ़ाना, चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर अमंग विलेज पीपल, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ग्राम वासियों का शक्ति का क्या, विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक, याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। पंचायती राज ने गांवों को स्थानीय स्वशासन की एक इकाई के तरह संगठित किया, मौलिक अधिकार में दिया हुआ है ये, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिया हुआ है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में दिया हुआ है या फिर संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम के तहत ऐसा किया गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका 73वां संशोधन अधिनियम, जो कि 1992 में हुआ था। ये 73वां संशोधन अधिनियम आया था जिसने गांवों को एक स्थानीय स्वशासन की एक इकाई के तरह संगठित किया था, ठीक है, तो याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। और इसी के तहत क्या किया गया, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई संविधान में, और उसमें जो है 29 विषय रखे गए पंचायती राज के लिए, ठीक, यही संशोधन के द्वारा। भारत में संघीय वित्तीय संबंध किससे संबंधित है, इन इंडिया द फेडरल फाइनेंशियल रिलेशन रिलेटेड टू, राज्यों के बीच वित्तीय संबंध से, केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध से, केंद्र और स्वायत्त सरकार के बीच में वित्तीय संबंध से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो फेडरल फाइनेंशियल रिलेशन है यह केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध से संबंधित है, ठीक है, याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बिहार से अलग झारखंड राज्य बनाना संभव है, बिल्कुल संभव है, तभी तो ये 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है वो बिहार से अलग हुआ ना जी। तो राज्य विधानसभा में कानून पारित हुआ इसके लिए, राज्यपाल के अध्यादेश के जरिए ये हुआ या फिर संवैधानिक दायित्व को पूरा किया गया इसके लिए, और इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए क्या किया गया, फुलफिलिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, जो कि कहाँ दिया हुआ है, आर्टिकल 3 में दिया हुआ है ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, जो भी जो प्रक्रिया है
इसके लिए उन सब को पूरा करके और तब ये किया जा सकता है। ठीक है, बिहार से अलग झारखंड राज्य बनाना बिल्कुल संभव है। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और इसके लिए क्या किया था, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इसके लिए क्या किया था। जैसे बिहार से झारखंड को अलग करना था तो बिहार की विधानसभा से, विधानमंडल से एक प्रस्ताव पारित होकर के जाएगा केंद्र सरकार के पास, ठीक है, सेंटर के पास जाएगा और सेंटर फिर जो है वो संसद में वो प्रस्ताव लाएगी और फिर वहां से अगर पास हो जाता है तब ये झारखंड राज्य अलग बन गया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय को नियुक्त करने की शक्ति किसके पास है, हु हैज द पावर टू अपॉइंट एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा, अल्पसंख्यक आयोग, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर उपराष्ट्रपति। तो हम लोग जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय को नियुक्त करते हैं यदि उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व उनको महसूस होता है कि एंग्लो इंडियन समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है लोकसभा में, तब वो दो सदस्यों को नियुक्त करते हैं लोकसभा में। ठीक है, एंग्लो इंडियन समुदाय के दो सदस्यों को नियुक्त करते हैं और ये आता है आर्टिकल 331 के तहत उनको ये पावर दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, भारत में सर्वोच्च कार्यकारी कौन है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष या फिर भारत सरकार के कैबिनेट सचिव, हु इज द सुप्रीम एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। तो सुप्रीम एग्जीक्यूटिव कौन होना चाहिए, भारत में सर्वोच्च कार्यकारी कौन होना चाहिए, राष्ट्रपति होना चाहिए। यदि संवैधानिक रूप से देखें, यदि संवैधानिक रूप से देखें तो सर्वोच्च कार्यकारी कौन होगा, राष्ट्रपति होगा और यदि व्यवहारिक रूप से देखें, व्यवहारिक रूप से देखें तब कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, तो इसमें जो है आंसर आपका राष्ट्रपति होगा, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है, प्रत्यक्ष चुनाव से, एकल हस्तांतरणीय वोट प्रणाली से यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से, आनुपातिक मत प्रणाली यानी कि प्रोपोर्शनल वोट सिस्टम से या फिर खुला मत पत्र प्रणाली यानी कि ओपन बैलेट सिस्टम से। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा एकल हस्तांतरणीय वोट प्रणाली। मतलब ये होता क्या है, थोड़ा सा समझिए, अगर तीन उम्मीदवार खड़े हैं ए बी सी, तो जितना भी सदस्य है जो कि वोट करने वाले हैं, वोट करने के लिए कौन कौन भाग लेता है, सबसे पहले तो याद रखिए लोकसभा के सदस्य जो कि मनोनीत तो नहीं होंगे, केवल निर्वाचित सदस्य। ठीक है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और प्लस में जो राज्य विधानसभा है, ठीक है, जो राज्य विधानसभा के सदस्य हैं, एमएलए हैं, वो लोग भाग लेंगे, वो भी निर्वाचित ही होंगे और साथ में दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के सदस्य। ठीक है, तो ये लोग जो है यहाँ पर भाग लेते हैं। ठीक, अब इनमें से प्रत्येक सदस्य जो है वो क्या करेगा, अपना प्रायोरिटी बेस पर निर्णय देगा। मान लिया कि कोई एक सदस्य है जिसको ए पसंद है, ए को वोट देना चाहता है, तो पहला प्रेफरेंस ए को देगा, दूसरा प्रेफरेंस सी को दे दिया और तीसरा प्रेफरेंस बी को दे दिया। फिर कोई आया उसको बी पसंद है तो पहला प्रेफरेंस उसको दे दिया, दूसरा प्रेफरेंस ए को दे दिया, तीसरा प्रेफरेंस सी को दे दिया। ठीक है, तो सब जो है केवल एक ही सदस्य को वोट नहीं देंगे, अपना प्रेफरेंस के हिसाब से देंगे। ठीक है, और बाद में जिसको सबसे कम वोट मिलेगा, मान लिया कि बी जो है उसको सबसे ज्यादा लोगों ने तीसरे नंबर के लिए चुना, ठीक है, तीसरे नंबर पर अपना प्रायोरिटी दिया, तो बी का जितना भी, बी जो है वो रेस से बाहर हो जाएगा। ठीक है, और बी का जितना भी मत होगा वो सब ए और सी में बट जाएगा और फिर देखा जाएगा कि किसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिली है। तो इसी को कहा जाता है एकल हस्तांतरणीय वोट प्रणाली। ठीक, याद जरूर रखिएगा। और ये जो है आपका दिया हुआ किसमें है, ये राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होगा, यह प्रक्रिया दी हुई है आर्टिकल 55 में, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, राज्य में, भारत में राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा है। जैसे संसद का उच्च सदन कौन सा होता है, राज्यसभा होता है ना, उसी तरीके से राज्य का जो विधानमंडल है उसमें उच्च सदन कौन सा है, विधान परिषद, विधानसभा, राज्यपाल का कार्यालय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राज्य विधानमंडल में विधान परिषद जो होगा वो उच्च सदन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये राज्यसभा की तरह अस्थायी सदन नहीं है, ये याद रखिएगा, इसको जो है खत्म किया जा सकता है, इसको जो है समाप्त किया जा सकता है संसद के द्वारा। ठीक, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, इसमें जो है आपका आर्टिकल 171 जो है वो विधान परिषद की संरचना के बारे में कहती है। ठीक है,
और इसमें MLCs की जो संख्या होती है, मतलब विधान परिषद के सदस्यों की जो संख्या होती है, वह विधानसभा के जितने सदस्य होंगे, विधानसभा में जितनी सीटें हैं उसके एक तिहाई से ज्यादा नहीं हो सकती और 40 से कम भी नहीं हो सकती। मतलब ज्यादा से मतलब 40 जो है वो होना ही चाहिए, ठीक है, 40 जो है वो मिनिमम होना ही चाहिए। 40 से ज्यादा हो सकता है, 40 के बराबर हो सकता है, लेकिन 40 से कम नहीं हो सकता है, याद रखिएगा, 40 से कम नहीं होना चाहिए। और नंबर ऑफ MLA जो है उस पर्टिकुलर स्टेट में उसका एक तिहाई होना चाहिए, एक तिहाई से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यह भी याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा, एक चीज और याद रखिए कि अभी जो है सर्वाधिक कहां पर है, सर्वाधिक जो है वो यूपी में है, ठीक है, यूपी में सर्वाधिक विधान परिषद की सीटें हैं और कितनी है, 100 है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और साथ में उसके बाद यदि हम लोग देखें तो महाराष्ट्र में है, सेकेंड नंबर पर कौन है, महाराष्ट्र है, जहां पर कितना सीट है, 78 सीट है, ठीक, तो याद जरूर रखिएगा, ये सब चीजें काम आएंगी। चलिए, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ, तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देखे 73वां, 77वां, 71वां, 74वां या फिर इनमें से कोई नहीं, तो ये हो जाएगा 73वां संशोधन 1992, ठीक है, और 1992 में ही आपका 74वां संशोधन भी हुआ था, जो कि किससे संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है, ठीक है, नगर प्रशासन या फिर नगर पालिका से संबंधित है, तो ग्राम पंचायत से संबंधित 73वां और 74वां जो है वो नगर पालिका से संबंधित, और ये जो दिया हुआ है अनुसूची 12 में आपका दिया हुआ है, ठीक है, तो ये सब चीजें आप याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं, अनुच्छेद 112 से 15, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 222 से 235, इनमें से कोई नहीं, तो आप सब लोगों को पता होगा अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक जो है वो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक, ये तो कुछ खास इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आगे, भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा एक नया अध्याय जोड़ा गया है, संघीय क्षेत्रों का प्रशासन, अंतरराज्यीय परिषद का गठन, मौलिक कर्तव्य या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इसमें जो है आपका मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, और उस समय जो है 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 11वां मौलिक कर्तव्य के लिए कौन सा संशोधन कब किया गया, तो ये जरा सा आप कॉमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है, कॉमेंट में जरा सा लिख करके बताइए, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कानूनी पहल पर भारत सरकार को कौन सलाह देता है, महान्यायवादी, हु एडवाइसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल एस्पेक्ट्स, महान्यायवादी, भारत के मुख्य न्यायाधीश, विधि आयोग के अध्यक्ष या फिर इनमें से कोई नहीं, तो यहां पर कानूनी पहल पर भारत सरकार को कौन सलाह देगा, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं वो प्रेसिडेंट को सलाह देते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट को सलाह देते हैं, और इसीलिए सलाहकारी निकाय भी इसको कहा जाता है, जो आपका सुप्रीम कोर्ट होता है वो, ठीक है, तो महान्यायवादी जो है वो सरकार को सलाह देंगे, ये याद रखिएगा, और महान्यायवादी के बारे में कहा दिया हुआ है, आर्टिकल 76 में दिया हुआ है, नियुक्ति कौन करता है महान्यायवादी की, प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के नियुक्ति कौन करता है, संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है, हु अपॉइंट्स यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संसद, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर कोई अस्थाई समिति, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, और इसके बारे में कहा दिया हुआ है भाग 14 में, संविधान के भाग 14 में आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक दिया हुआ है, किसके बारे में, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में दिया हुआ है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसमें है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या फिर कानून मंत्रालय, तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो है वो संसद में कानून पास करके, संसद में संशोधन करके या फिर कानून पास करके किया जा सकता है संसद में, ठीक है, तो प्रधानमंत्री के पास भी शक्ति नहीं है, राष्ट्रपति के पास भी शक्ति नहीं है, और इसके लिए जो है 2019 में एक विधेयक लाया गया था, ठीक है, पहले जो है सदस्यों की संख्या कुछ और हुआ करती थी, लेकिन 2019 में जो लेटेस्ट संशोधन हुआ उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में
जजों की संख्या कितनी कर दी गई है, 34 कर दी गई है, ठीक है। तो 33 तो जो जज होते हैं वो होंगे और एक होंगे सीजेआई, ठीक है। तो 33+1 अभी वर्तमान में जो संरचना है वो यही है, ठीक है। और इसके बारे में दिया हुआ कहां पर है, तो आर्टिकल 124(1) में दिया हुआ है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा, कमेंट में लिखिएगा कि अभी भारत के सीजेआई कौन है, नए नए आए हैं तो आपको नाम पता है कि नहीं, जरा सा देखता हूं मैं, कमेंट में लिखिएगा। भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है, यहाँ पर पूछ रहा है कि नहीं आता है। भूमि सुधारों का कार्यान्वयन मतलब कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, न्यायिक पुनर्वीक्षण यानी कि जुडिशियल रिव्यू, निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन यानी कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंदर कौन सा नहीं आता है, तो ये क्या हो जाएगा, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का पावर किसको है, सुप्रीम कोर्ट को है, सुप्रीम कोर्ट को है या फिर हाई कोर्ट को है ना, सुप्रीम कोर्ट को है या फिर हाई कोर्ट को है। तो ये पंचायती राज संस्थाओं को तो ये पावर नहीं है, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका न्यायिक पुनरीक्षण जो है वो नहीं है, ठीक, निश्चित तौर पर याद रखिए। चलिए, अच्छा, न्यायिक पुनरीक्षण जो है सुप्रीम कोर्ट को किस आधार पर मिला हुआ है, आर्टिकल 32 के आधार पर वो रिट जारी करती है, ठीक है, और न्यायिक पुनरीक्षण करती है। इसके अलावा हाई कोर्ट जो है वो आर्टिकल 126 के तहत करती है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की भागीदारी, सामुदायिक विकास और ये सभी। तो पंचायती राज जो है वो प्रतिनिधित्व किस चीज का करता है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण करता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इससे होता है, बिल्कुल होता है। लोगों की भागीदारी होती है क्योंकि ग्राम सभा के सदस्य जो होते हैं वो कौन होते हैं, गांव के लोग ही होते हैं, 18 साल से ऊपर के लोग जितने भी हैं। और सामुदायिक विकास का काम यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट का काम भी इससे होता ही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी, शक्तियों का विकेंद्रीकरण भी, लोगों की भागीदारी भी और सामुदायिक विकास भी। चलिए आगे देख लेते हैं, लोकसभा के लिए चुने जाने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है, यह पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने देखा था, 18 साल, 21 साल, 25 साल या फिर इनमें से कोई नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, 25 साल, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है, व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रायोरिटाइज दोज रूल्स और लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर। तो आर्टिकल 13, 32, 245 और 326, तो इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 जो है वो यहाँ पर बात करता है जुडिशियल रिव्यू की बात करता है, न्यायिक पुनरावलोकन की बात करता है, ठीक है, आर्टिकल 13। और इसके तहत जो है मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत, सॉरी यहाँ पर मैंने जो बताया 126, वो थोड़ा सा गलती हो गया मेरे से, यहाँ पर क्या होना चाहिए, 226 होना चाहिए। हाई कोर्ट जो है वो आर्टिकल 226 के तहत जुडिशियल रिव्यू करता है, ठीक, तो याद रखिएगा, हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के तहत करता है। तो यदि संसद या फिर जो आपका राज्य विधान मंडल है कोई भी कानून बना देता है तो उसको पुनः जो है याचिका के जरिए, पीआईएल के जरिए सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के पास भेजा जा सकता है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकती है याचिका, ठीक है। और फिर जो है सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि उस कानून को रद्द कर दे, ऐसा भी किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, तो ये जो है आर्टिकल 13 में दिया हुआ है, चलिए आगे देख लेते हैं। और आर्टिकल 12 में क्या दिया हुआ है, आर्टिकल 12 जो आता है मौलिक अधिकार के तहत, उसमें क्या दिया हुआ है, राज्य की परिभाषा दी गई है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर वक्ता या स्पीकर, ये जो हो जाएगा उपराष्ट्रपति होता है। इसके बारे में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता, तो वो भी क्या हो जाएगा, राज्यसभा हो जाएगा, उपराष्ट्रपति, क्योंकि राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करते हैं, यहाँ पर सभापति इनको कहा जाता है, अध्यक्ष नहीं कहा जाता है, सभापति कहा जाता है, ठीक, तो ये होते हैं उपराष्ट्रपति, ठीक है, याद जरूर रखिएगा। और ये जो है आर्टिकल 64 में ये दिया हुआ है, ठीक, आर्टिकल 64 में दिया हुआ। चलिए आगे देख लेते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन सा, अच्छा
उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, अभी जस्ट नए नए चुन के आए हैं, तो ये भी बताइएगा कि उपराष्ट्रपति अभी कौन है भारत के। ठीक, चलिए कमेंट में बताइए। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन सा है, सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या फिर धर्म? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च जो होगा वो संविधान ही होगा। ठीक है, सर्वोच्च कौन होगा? संविधान होगा, कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा देश चलता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय राजनीतिक प्रणाली में अधिकारी निम्न कार्य करते हैं, इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम द एग्जीक्यूटिव फंक्शन अंडर, निम्न कार्य करते हैं नहीं, किसके तहत कार्य करते हैं, किसके तहत कार्य करते हैं या फिर किसके अंतर्गत काम करते हैं ये पूछा जा रहा है। तो न्याय तंत्र, विधान मंडल, चुनाव आयोग या फिर संघ लोक सेवा आयोग, तो किसके अंतर्गत काम करते हैं? तो ये जो है, जो आपके एग्जीक्यूटिव होते हैं वो हमेशा लेजिस्लेचर के अंडर काम करती है। ठीक है, विधान मंडल, ठीक, याद रखिएगा। एग्जीक्यूटिव क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिव के जो सदस्य होते हैं, एग्जीक्यूटिव के जो सदस्य होते हैं वो लेजिस्लेचर का पार्ट होते हैं ना, लेजिस्लेचर का पार्ट होते हैं। जब तक मान लिया अगर केंद्र में चलते हैं, तो जब तक कोई भी मंत्री जो है लोकसभा या फिर राज्यसभा का सदस्य नहीं है, तब तक अधिकतम वो 6 महीने के लिए ही मंत्री रह सकता है ना। 6 महीने के बाद जो है उसको लोकसभा, 6 महीने के अंतर उसको लोकसभा या फिर राज्यसभा की सदस्यता तो लेनी पड़ती है। तो एग्जीक्यूटिव के जो मेंबर होते हैं वो ये आपके लेजिस्लेचर के भी पार्ट होते ही हैं। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि भारत में राजनीतिक प्रणाली में एग्जीक्यूटिव जो होती है वो लेजिस्लेचर के तहत काम करती है। और इसीलिए कहा जाता है कि जो मंत्रिपरिषद होता है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आप समझ गए होंगे और आई थिंक उत्तर भी समझ गए। चलिए आगे देख लेते हैं। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ है, वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता, निलंबित प्रस्ताव यानी कि सस्पेंडेड रिजोल्यूशन, स्थगन प्रस्ताव यानी कि एडजर्न पीरियड, या फिर प्रश्न उत्तर के बाद का सत्र, आफ्टर क्वेश्चन आवर सेशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रश्न उत्तर सत्र के बाद जो होता है आपका शून्यकाल होता है, और इसका समय क्या होता है, 12 से लेकर दोपहर में 12 बजे से लेकर 1 बजे तक का समय इसमें होता है। और शून्यकाल जो है वो मतलब वैश्विक संसदीय व्यवस्था को, वैश्विक लोकतंत्र को भारत की देन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, भारत की देन है, मतलब शून्यकाल का शुरुआत जो है वो भारत से ही हुआ था, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, पंचायती राज के सिद्धांत या फिर नीति निर्देशक सिद्धांत। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य। 10 कंडक्ट कमांडमेंट एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट आर नॉन एज फंडामेंटल ड्यूटी। चलिए, राज्य सरकार का कार्यकारी एवं अथवा संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, संवैधानिक प्रमुख पूछा जा रहा है, तो मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री का सचिव या फिर मुख्य सचिव। तो जैसे कार्यकारी प्रमुख होते हैं, संवैधानिक कौन होते हैं केंद्र में, राष्ट्रपति होते हैं, उसी तरह से राज्य में कौन होगा, राज्यपाल होगा। ठीक है, याद रखिएगा, राज्यपाल होगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कानूनी पहलू के मुद्दे पर राज्य सरकार को कौन सलाह देता है, महान्यायवादी तो केंद्र सरकार को सलाह देते हैं, अटॉर्नी जनरल जो है, महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल, प्रधान पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि सॉलिसिटर जनरल, या फिर उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। नहीं, यहाँ पर कानूनी, राज्य सरकार को कौन सलाह देंगे, महाधिवक्ता। जैसे केंद्र में महान्यायवादी होते हैं, उसी तरीके से राज्य में महाधिवक्ता होते हैं। आर्टिकल 165 के तहत महाधिवक्ता के बारे में दिया गया है। ठीक है, और इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। ठीक है, जैसे केंद्र में महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, उसी तरीके से राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति यानी कि एडवोकेट जनरल की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। आर्टिकल 165 में इसके बारे में दिया हुआ। चलिए, पंचायती राज व्यवस्था में निम्नलिखित में किसके तहत बनाई गई है, पंचायती राज व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके तहत बनाई गई है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, निर्देशक सिद्धांत या फिर चुनाव आयोग का अधिनियम। तो पंचायती राज व्यवस्था आर्टिकल 40 में दिया हुआ है, आर्टिकल 40 में दिया हुआ है ना, गांधीवादी विचार है ये।
और नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत आता है आपका आर्टिकल 40। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था जो है वो नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत दिया हुआ है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। पंचायती राज की तीन स्तरीय प्रणाली में कौन कौन आते हैं? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ब्लॉक समिति, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, ब्लॉक समिति, जिला परिषद या फिर पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद। इसमें क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक, त्रिस्तरीय प्रणाली किसके द्वारा दिया गया था? बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, याद रखिएगा बलवंत राय मेहता समिति ने यह जो है रिकमेंड किया था त्रिस्तरीय पंचायत का। ठीक है, और एक और समिति था अशोक जी का समिति, अशोक जी का समिति जो है वो द्विस्तरीय का रिकमेंडेशन दिया था। ठीक है, द्विस्तरीय का रिकमेंडेशन दिया था, याद रखिएगा अशोक मेहता, इनका नाम क्या है, अशोक मेहता। ठीक, और ये हैं बलवंत राय मेहता। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है, यह पूछा जा रहा है। राष्ट्रपति पर महाभियोग से, चुनाव आयोग की नियुक्ति से, शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों के आरक्षण से या फिर पंचायती राज प्रणाली से। कई बार उस समय से बता रहा हूं कि पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड है 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, तो अब तक तो याद हो जाना चाहिए था। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है, कौन सा मौलिक कर्तव्य है, यह पूछा जा रहा है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण ये बिल्कुल नहीं होगा, आर्टिकल 50 में यह दिया हुआ है। ठीक है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, और ये किसमें है, डीपीएसपी में है, मतलब कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में है। हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना, ये बिल्कुल सही है, ये है मौलिक कर्तव्य। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, ये मौलिक अधिकार है, ये जो है आपका मौलिक अधिकार के तहत आता है। ठीक, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, और अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त करना, यह भी आर्टिकल 17 जो है वो मौलिक अधिकार के तहत आता है। तो यहाँ पर मौलिक कर्तव्य के तहत क्या आ जाएगा, हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। ठीक है, चलिए। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का दर्जा देने का अधिकार किसके पास है? Which has the right to give status of national or regional political parties to different political parties in India? संसद, राष्ट्रपति, चुनाव आयोग या फिर सर्वोच्च न्यायालय। तो ये जो है चुनाव आयोग के पास ये शक्ति है कि वो क्षेत्रीय या फिर राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल का दर्जा दे सकती है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। धन विधेयक के लिए किसकी पूर्व सहमति आवश्यक है? यह भी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, भारत के राष्ट्रपति या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति जो है वो सहमति देते हैं धन विधेयक के लिए। धन विधेयक के बारे में थोड़ा सा और बता दूं, आर्टिकल 110 में दिया हुआ है धन विधेयक के बारे में, और आर्टिकल 109 में, आर्टिकल 109 में दिया हुआ है क्या धन विधेयक को पास करने की प्रक्रिया जो है वो आर्टिकल 109 में दिया हुआ है। ठीक है, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं यह कौन तय करेगा, ये तय करेंगे लोकसभा के स्पीकर। ठीक है, और राज्यसभा जो है वो धन विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है, 14 दिनों तक रोक सकती है। ठीक है, तो यस, और एक और चीज कि धन विधेयक जो है वो पहले कहां पर पेश किया जाएगा, हमेशा लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। तो ये सब चीजें धन विधेयक के बारे में है, आपको याद रखना चाहिए। चलिए, वह कौन सा सदन है जहां अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं है? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या फिर विधान परिषद। आंसर क्या होगा, राज्यसभा, क्योंकि इसके सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, जिनका अलग से चुनाव होता है, वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है? फिर से वही आ गया, नगर निगम, मकान किराया अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम, बढ़ा हुआ वेतन और सांसदों के डीए। तो ये क्या हो जाएगा, पंचायती राज अधिनियम। कई बार ये प्रश्न तो देख चुके हैं, अब तक तो आपको कंठस्थ हो जाना चाहिए। चलिए, लोकसभा की गतिविधियों में भाग नहीं ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी, भारत का महान्यायवादी सॉलिसिटर जनरल या फिर भारत के राष्ट्रपति के सचिव। देखिए,
लोकसभा की गतिविधियों में भाग लेने की बात है, तो सीएजी जो है लोकसभा की गतिविधियों में भाग ले सकते हैं, ठीक है। महान न्यायवादी जो है वो तो बैठ भी सकते हैं, केवल वोटिंग नहीं कर सकते हैं, बहस भी कर सकते हैं, ठीक है। सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं वो आपके कर सकते हैं, ठीक है। और ये भारत के राष्ट्रपति के सचिव जो हैं ये बिल्कुल नहीं करेंगे, ये लोकसभा की किसी भी गतिविधि में भाग नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर गतिविधि की बात है, मतलब लोकसभा में बहस करने या फिर वोटिंग करने की बात नहीं है, यहाँ पर बात हो रहा है किसी भी प्रकार की गतिविधि में भाग लेना। जैसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, यह जो है विभिन्न अकाउंट्स की जांच करते हैं और लोकसभा में पेश करते हैं, ठीक है, लोकसभा में पेश कर सकते हैं, तो यह किसी न किसी गतिविधि में तो भाग लिए। महान्यायवादी तो जो है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बैठ सकते हैं, बहस में भी भाग ले सकते हैं, केवल जो है आपके वोटिंग नहीं कर सकते। तो महान्यायवादी भी हो गया, सॉलिसिटर जनरल भी हो गया, किसी न किसी तरीके से लोकसभा की गतिविधि में भाग लेते हैं, लेकिन भारत के राष्ट्रपति के सचिव जो है वो भाग नहीं लेते हैं किसी भी गतिविधि में, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी। चलिए, किस संशोधन में भारत के संविधान में सामाजिक धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता शब्द जोड़ा गया? 42वां, 44वां, 52वां या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि ऐड करने की जब बात आए तो आप 42वां अमेंडमेंट डालिए, और जब हटाने की बात आए, रिमूव करने की बात आए, ठीक है, तो हमेशा क्या डालिए, 44वां डालिए, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ने की बात की गई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 किस विषय से संबंधित है? ये तो सबको पता होगा, जम्मू और कश्मीर, अनुसूचित जातियों जनजातियों का आरक्षण, पंजाब और हरियाणा राज्य, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य। तो क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, जो कि अब हटाया जा चुका है, 35A और आर्टिकल 370 दोनों खत्म किया जा चुका है लगभग। चलिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत के पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं, आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी रहे हैं, यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, आईएमएफ के पूर्व निदेशक नहीं रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, आईएमएफ के पूर्व निदेशक नहीं रहे हैं। तो कथन सही कौन सा नहीं है, ये डी जो है वो सही नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित पदों के लिए कौन सा अनुक्रम सही है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्यों के राज्यपालों के, मुख्यमंत्री, ठीक है, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स, अच्छा राज्यों के राज्यपाल और फिर मुख्यमंत्री, ठीक है। राज्यों के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के मुख्यमंत्री, भारत चुनाव आयुक्त, मतलब इनका जो है वरीयता क्रम जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसका वरीयता क्रम क्या होगा, मतलब एक अनुक्रम में सही से सजाने के लिए कहा जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पर सबसे वरीय कौन हो जाएंगे, सबसे वरीय हो जाएंगे राज्यपाल, सबसे वरीय राज्यपाल हो जाएंगे, उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे, उसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री और तब मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, वरीयता क्रम जो है वो सही कौन सा है, बी सही है। चलिए, विशिष्ट केंद्रीय राज्य राजकोषीय संबंधों पर भारतीय राष्ट्रपति की सिफारिश किसके द्वारा की जाती है? रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द स्पेसिफिक यूनियन स्टेट फिस्कल रिलेशंस आर मेड बाय द वित्त मंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक, योजना आयोग या फिर वित्त आयोग, मतलब कि केंद्र और राज्य के बीच जो राजकोषीय संबंध है उसके बारे में राष्ट्रपति को कौन सूचित करता है, ठीक है, उसके बारे में रिकमेंडेशन कौन देता है, सलाह कौन देता है राष्ट्रपति को, यही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वित्त आयोग, वित्त आयोग जो है वो राष्ट्रपति को केंद्र राज्य संबंधों पर बताता है कि भैया क्या करना है, क्या नहीं किया जा रहा है, ठीक है, खास करके फिस्कल मामलों में, ठीक। और वित्त आयोग का गठन जो है वो कौन करते हैं, राष्ट्रपति ही करते हैं, प्रत्येक 5 साल पर करते हैं, ठीक है, याद रखिए। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज झारखंड सेपरेटेड फ्रॉम बिहार, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000, 25 अगस्त 1999, 2 अगस्त 1998, 5 जुलाई 1997, पहले भी बता चुका हूँ, इस वीडियो में भी बताया हूँ, 15 नवंबर 2000। चलिए, वर्तमान में बिहार विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 240, 243, 245, 250, तो बिहार के जो लोग हैं उनको तो पता होना चाहिए, 243। बिहार विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 243 सदस्य हैं। और लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 40 सदस्य चुने जाते हैं बिहार से, ठीक है। अच्छा, बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है, जरा सा कमेंट में लिखिएगा, ठीक है, देखें जरा आप लोगों को पता है कि नहीं,
चले, नानावती आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1984, 1994, 1999 या फिर 2000। देखिए, नानावती आयोग की स्थापना जो है वो जो गुजरात दंगे हुए थे, गुजरात जो दंगे हुए थे उनके आलोक में किया गया था, उसकी जांच के लिए किया गया था। और गुजरात में दंगा कब हुआ था? 2002 में हुआ था। ठीक है, तो 2002 के बाद ही ना, दंगा होने से पहले तो कोई आयोग नहीं बैठाया जा सकता उसकी जांच के लिए, है ना। तो यहाँ पर जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है वो सब 2002 के पहले का दिया हुआ है, इसलिए चारों का चारों ऑप्शन गलत है। अगर यहाँ पर ऑप्शन 2000 जो है उसको हम लोग 2002 कर दे तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का गलती मेरे हिसाब से बीपीएससी नहीं करेगा। ठीक, तो क्वेश्चन यदि आता है तो उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। ठीक है, इसका जो है 2002 में गठन हुआ था नानावती आयोग का। ठीक, चलिए, नौकरशाही का क्या कार्य है यही पूछा जा रहा है। द फंक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना, मंत्रियों की मदद करना और ये सभी। तो बिल्कुल सही है, सरकार की नीतियों को लागू भी करते हैं, प्रशासन भी चलाने में मदद करते हैं और मंत्रियों की भी मदद करते हैं, तो ये सभी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नौकरशाही का ये तीनों कार्य। चलिए, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? भारत के सभी न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। तो मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने की शक्ति जो है वो दी गई है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को, याद रखिएगा। 115 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। ये सब एक्सप्लेनेशन करने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, केवल आंसर बता रहा हूँ। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, जहां पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी वहां पर जरूर करूंगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? लोकसभा द्वारा, संसद द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या फिर प्रधानमंत्री के द्वारा। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो संसद के द्वारा लगाया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, संसद के द्वारा, संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए। ठीक है, और उसके बाद जो है फिर, लेकिन राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने से पहले जो है आपको 14 दिन पहले जो है राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ता है ताकि वो अपना पक्ष तैयार कर ले। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? कृषि, शिक्षा, पुलिस या फिर रक्षा। तो पुलिस तो है वो राज्य में आता है, राज्य सूची में। रक्षा भी जो है वो राज्य सूची में आता है। शिक्षा जो है वो आएगा आपका समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में कौन सा आएगा? शिक्षा आ जाएगी। ठीक है, कृषि भी जो है वो राज्य सूची का विषय। ठीक है, रक्षा जो है, रक्षा विभाग जो है ये केंद्र सूची का विषय। ठीक, रक्षा केंद्र सूची का, पुलिस जो है वो राज्य सूची का। ठीक है, राज्य सूची ये हो गया आपका सेंट्रल लिस्ट। ठीक, ये स्टेट लिस्ट, सॉरी SL कर दीजिए, स्टेट लिस्ट। और ये भी जो हो जाएगा वो आपका कृषि जो है वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? अशोक मेहता, डॉक्टर इकबाल नारायण, बलवंत राय मेहता या फिर जीवराज मेहता। तो क्या हो जाएगा? बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायत का गठन किया गया था। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायत। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2031, 2026, 2021, 2011। तो यहाँ पर कहा गया है कि 2026 के बाद होने वाली प्रथम जनगणना तक। ठीक है, तो 2026 जो हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में शुरू की गई। राजस्थान और कहाँ शुरू की गई थी ये पूछा जा रहा है, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। तो ये जो है आपका शुरू कहाँ किया गया था, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले राजस्थान में नागौर में शुरू किया गया था और दूसरे स्थान पर कौन आता है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। चलिए आगे है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 2, 10, 12, 15, ये पहले भी बता चुका हूँ। 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में। ठीक है, और पिछले वीडियो में बताया था कि वो किस चीज से जुड़े होते हैं? समाज सेवा से जुड़े होते हैं, समाज सेवा से जुड़े होते हैं या फिर आपका जुड़े होते हैं साहित्य से जुड़े होते हैं, साहित्य से जुड़े होते हैं, शिक्षा से जुड़े होते हैं, इन सब चीजों से जुड़े होते हैं वो सभी। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। प्रधान पंचायत चुनाव आयोजित करने का निर्णय निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिया जाता है?
केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला न्यायाधीश या फिर चुनाव आयोग। तो पंचायत चुनाव कराना है तो राज्य सूची का विषय है, तो कौन निर्णय लेगा? राज्य सरकार निर्णय लेगी। ठीक है, केंद्र सरकार निर्णय क्यों लेगी? अलग अलग राज्यों में अलग अलग पंचायत चुनाव होता है ना, तो केंद्र सरकार कैसे निर्णय ले सकती है? निर्णय कौन लेगी? राज्य सरकार लेगी। जिला न्यायाधीश का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, और चुनाव आयोग छोटे मोटे चुनाव का निर्णय क्यों लेने लगी, है ना। चलिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19, 20, 21, 22। कौन सा अनुच्छेद होगा? अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 जो है वो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, याद जरूर रखिएगा। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? 42nd, 44th, 46th या फिर 50th? आंसर क्या हो जाएगा? 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, ये पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था आपको, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री या फिर भारत के राष्ट्रपति? जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेंगे? भारत के राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। और जम्मू कश्मीर में अब तो व्यवस्था भी बदल गई है, अब तो ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। ठीक है, तो नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे, प्रधानमंत्री की सलाह। चलिए आगे देख लेते हैं। अब तो वो राज्य रह भी नहीं गया। चलिए, तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। 10 मार्च 1950, 15 मार्च 1950, 16 मार्च 1951 या फिर 20 मार्च 1950? तो ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी, और इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, और नीति आयोग के CEO हाल ही में कौन बने हैं, जरा सा कमेंट में लिखिएगा यदि करंट अफेयर्स आप लोग पढ़े हैं तो। आर्थिक योजना है, आर्थिक योजना किसमें है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर कोई निर्दिष्ट सूची नहीं? अब ये जो है आपका आर्थिक योजना, ये समवर्ती सूची में है। ठीक है, आर्थिक योजना यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग, राज्य भी अपने लिए इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं और केंद्र सरकार भी इकोनॉमिक प्लानिंग करती है। ठीक है, तो ये जो है आपका समवर्ती सूची में है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। संसद में पेश किया गया एक बिल इसके बाद एक अधिनियम बन जाता है, किसके बाद एक अधिनियम बन जाता है? जब यह दोनों सदनों द्वारा पारित है, राष्ट्रपति ने अपनी सहमति दे दी है, प्रधानमंत्री ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसे केंद्रीय संसद की क्षमता के भीतर घोषित किया है। तो संसद में पेश किया जा चुका है कोई बिल और वहां से पास हो गया है, तो राष्ट्रपति अपनी सहमति देगा तो वो एक कानून बन जाता है, है ना। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त होता है, प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त होता है या फिर समाप्त होने का विषय नहीं है। तो राज्यसभा है, राज्यसभा क्या है? अस्थाई सदन है, तो ये क्या होता है? समाप्त कभी नहीं होता है, तो समाप्त होने का विषय नहीं है। लेकिन इसके जो सदस्य होते हैं, एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 साल के बाद जो होते हैं रिटायर हो जाते हैं, और चुने कितने दिनों के लिए जाते हैं? राज्यसभा के सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करेगा? राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उसके राज्य के उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर राज्य के राज्यपाल? तो यह जो है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है, मतलब हाई कोर्ट का न्यायाधीश जो है, वह त्याग पत्र अपना किसको देगा? राष्ट्रपति को संबोधित करेगा। ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्रपति को ही संबोधित करेगा, राज्यपाल को नहीं। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, कौन ले सकता है? उपराष्ट्रपति नहीं लेगा, मुख्य न्यायाधीश नहीं लेंगे, क्योंकि ये संसद के किसी सदन की बात किया जा रहा है। महान्यायवादी, बिल्कुल महान्यायवादी ले सकते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये भी नहीं लेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? महान्यायवादी जो है वो संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो। और ये दिया हुआ है आर्टिकल 88 में दिया हुआ है, तो आर्टिकल भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये तो पहले भी देख चुके हैं, 32वां, 42वां, 15वां या फिर 46वां। 42वां संविधान संशोधन कई बार हम लोग देख चुके हैं इसी वीडियो में। ठीक, तो मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। चलिए, संविधान में कितनी भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है? 22, 13, 14 या फिर 18? आंसर क्या हो जाएगा? 22। टोटल 22 भाषा है, और शेड्यूल
इसमें शेड्यूल 8 में रखा गया है, टोटल 22 भाषाएं हैं। और सबसे लास्ट में किसको जोड़ा गया, सबसे लास्ट में जोड़ा गया आपका अंतिम चार भाषाओं को, अंतिम चार भाषाओं को जोड़ा गया, जो कि आपका 92nd अमेंडमेंट था, 92nd अमेंडमेंट 2004 में, ठीक है। और इसमें किसको किसको जोड़ा गया, संथाली, संथाली, वोडो, वोडो, डोगरी, डोगरी और मैथिली, ठीक है। इन चारों भाषाओं को जोड़ा गया 92nd अमेंडमेंट 2004 के जरिए, और ये अंतिम चार भाषाएं हैं, इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मूल रूप से कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं हुआ करती थी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक या फिर धर्मनिरपेक्ष। अब इसमें जो है आपको प्रस्तावना में जो शब्द दिए हुए हैं उनको क्रम से सजाना है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सार्वभौमिक हो जाएगा, है ना। तो ये ऑप्शन कट गया क्योंकि सी सी सी, ये ए बी सी जो है वो अभी तक चल रहा है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, सार्वभौमिक के बाद समाजवादी है, ठीक है, तो सी के बाद ए होना चाहिए, और ये जो है केवल ए ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारा जो है सर्व, ये क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी के बाद क्या, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, इस तरीके से हमारा प्रस्तावना कहता है ना कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य या फिर लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, या पहले भी देख चुके हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या फिर विधान परिषद। आंसर क्या हो जाएगा, राज्यसभा, क्योंकि उपराष्ट्रपति इसके सभापति होते हैं, और उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया, 48वां, 57वां, 61वां या फिर 63वां। आंसर क्या हो जाएगा, 61वां, 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा जो आयु पहले हुआ करती थी 21 वर्ष, उसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति पद पर कौन होता है, राष्ट्रपति का भी पद खाली है, उपराष्ट्रपति का भी पद खाली है, तो तीसरे नंबर पर कौन आते हैं, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष या फिर इनमें से कोई नहीं, आएंगे कौन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होंगे वो उस समय राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेंगे, और ये भी यदि इनका पद भी खाली हो तो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ जज होंगे वो करेंगे, ठीक है, तो ये प्रावधान दिया हुआ है, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है, पंचायत समिति है परामर्शदात्री संस्था, यानी कि एडवाइजरी बॉडी, प्रशासनिक प्राधिकरण, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, परामर्शीय समिति यानी कि कंसल्टेंट कमेटी, या फिर पर्यवेक्षीय प्राधिकरण यानी कि सुपरवाइजरी अथॉरिटी। तो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति जो है वो प्रशासनिक प्राधिकरण है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है, तो ये 2007 के बारे में ही पूछा जा रहा है, 607, 1206, 1410 या फिर 1500। उस समय के हिसाब से जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका क्या, आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा 1206, उस समय के हिसाब से आंसर 1206 हो जाएगा। अभी क्या है वो चेक करना होगा, तो देखेंगे। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, श्री मोहम्मद अंसारी, मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है, क्रमांक कौन सा है, 10वां, 11वां, 12वां या फिर 13वां। तो मोहम्मद हामिद अंसारी जो है वो 13वें थे, ठीक है, 13वें थे मोहम्मद हामिद अंसारी, याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग बाद में देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये 64 तक कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद 65, 66 और 67 जो कैंसिल हुआ है अभी उसको भी शामिल कर लेंगे, ठीक है, तो ये टोटल कंप्लीट हो जाएगा आपका, अपडेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं चंद्रवर्धन लेता हूं आपसे इजाजत, जय हिंद, वंदे मातरम।